तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो आज आपके सामने एक टोयोटा की कैमरी लेके आया हूँ, जो कि 2013 का मॉडल है। देख पा रहे हैं, 2013 का मॉडल है। तो इसका इवेपोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है तो लीकेज तो होना ही है इनका। और इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें मेरे को खोलना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाड़ी चालू हो चुकी है अपनी, और देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ एक ABS की लाइट आ रही है, बाकी और कुछ लाइट नहीं आ रही है। तो चलो फिर मैं गाड़ी करता हूँ ऑफ और बैटरी वायर रिमूव करता हूँ। बैटरी वायर रिमूव करके आपको आगे का, सबसे पहले हर वीडियो में मैं पहले कंसोल बॉक्स खोलना ही स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले मैं आई थिंक 2019 या 20 का कैमरी का डैशबोर्ड खोल चुका हूँ मैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं देखना चाहेंगे तो। तो चलो सबसे पहले बैटरी वायर रिमूव करके मैं ये कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करता हूँ, या बैटरी वायर बाद में भी रिमूव करूँगा तो चलेगा। तो पहले कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फाइनली बैटरी वायर निकल चुकी है अपना। तो कंसोल बॉक्स खोलने से पहले मेरे को जो है ना ये वाला चीज़ें खोलना पड़ेगा। तो ये खोलने से पहले अपने को इसको खोलना पड़ेगा, इसको घुमाऊंगा, ये खुलने लगेगा। तो ये फाइनली खुल गया। अब लॉक दिया हुआ रहता है उसको खींचेंगे ऊपर, ये निकल जाएगा अपना। इसको निकालने से पहले फिर ये निकालना पड़ेगा अपने को, ये निकल चुका। सेम इस साइड का निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक स्क्रू ये दिया है, इधर स्क्रू तो मिसिंग है, ये स्क्रू खोलूँगा। तो ये स्क्रू तो बाद में खोलूँगा, पहले ये वाला चीज़ अपना निकल जाएगा। पीछे एक सॉकेट दिया हुआ रहेगा, ये वाली सॉकेट निकल चुका अपना। अब जो है ये स्क्रू खोलना पड़ेगा, इधर तो है ही नहीं। ये स्क्रू खोलने के बाद ये चीज़ें निकल जाएगा। तो स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये स्क्रू खोल दिया हूँ, अब ये निकलेगा। थोड़ा इसको काटाना पड़ेगा। तो इसको निकालने से पहले इजीली अगर निकालना चाहे, ऐसे भी निकल जाएगा, मुश्किल नहीं। तो इससे पहले इसको निकालने का रहेगा अपने को, क्योंकि ये नर रहना इसकी वजह से। तो पहले कंसोल बॉक्स खुलेगा मेरा। तो चलो जब मैं निकाल दिया इसको तो निकाल ही देता हूँ। पीछे उसकी सॉकेट रहेगी USB केबल की, यानी लाइटर की। ये खास से जल्दी तो खुलता नहीं है, तो ये भी पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब जो है एक स्क्रू ये खोलूँगा, और इसके बाद अंदर दिया रहेगा कंसोल बॉक्स के। इसके अंदर रहेगा, थोड़ा चिपक गया है। तो इसको निकालता हूँ मैं। तो ये भी निकल गया। तो देख पा रहे हैं एक ये 2-10 नंबर है। 2-10 नंबर खुलने के बाद ये अपना इजीली बाहर आ जाएगा। तो चलो मैं दोनों चारों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली दोनों स्क्रू यहाँ का 10 नंबर खुल चुका, ये अपना देख पा रहे हैं बाहर आ चुका है। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो फाइनली ये निकल चुका अपना। अब अपने को आगे आना है, ये पैनल खोलना है। पहले ये खुलेगा, तो चलो इसको खोलता हूँ। उसके लिए बोनेट केबल इधर दिया है, और एक स्क्रू 10 नंबर यहाँ दिया है, देख पा रहे हैं। तो ये सब खोलता हूँ, उसको बाहर लेता हूँ मैं। इधर भी स्क्रू दिया हुआ रहेगा, ये खोलेंगे तभी मालूम पड़ेगा। ये
स्क्रू तो दिया नहीं है, लॉक दिया है, तो इसको भी खोल देना है अपने को। यहाँ एक प्लास्टिक का लॉक रहेगा, ये वाली घुमा के खोलना पड़ेगा। इसको निकालता हूँ फिर इसको निकालता हूँ। तो फाइनली मैं 10 नंबर वगैरह सब खोल दिया हूँ, ये पहले निकाल दिया, उसके बाद इसको खींचेंगे। निकल गया, ये बोनेट का केबल है, इसको ये लॉक प्रेस करके पीछे स्लाइड करेंगे, ये निकल जाएगा। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ, ऑलरेडी सॉकेट निकालता हूँ। तो ये निकल गया अपना, अब ये निकालना पड़ेगा दोनों साइड का। तो एक एक स्क्रू देख रहे हैं, एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये, दो स्क्रू खोलने के बाद दोनों साइड का ये निकल जाएगा। तो दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ, स्क्रू खोलने के बाद इसको आगे साइड खींचेंगे। अब निकल गया, सेम इस साइड वाला वैसे ही रहेगा। तो सॉरी, इससे पहले ये अपना ग्लो बॉक्स का पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा, फिर ये वाला निकलेगा। तो साइड छोड़ देते हैं, पहले अपन इस साइड आ जाते हैं। ये निकाल दिया, अब इसके बाद अपने को टेप खोलना पड़ेगा। टेप खोलने से पहले एक 10 नंबर इधर है, एक 10 नंबर इधर है, तो इससे पहले खोलना पड़ेगा अपने को इसका ऊपर का कवर। तो ऊपर का कवर मैं खोलता हूँ पहले। तो गाइस, ये खोलने के लिए ना आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये टूट जाता है, क्योंकि ये फाइबर है ना, जो यहाँ की हीट ना, टेम्परेचर में ना, ये पूरा अपनी जगह छोड़ देता है बिल्कुल। मतलब बोले तो इसको हाथ से थोड़ा सा भी आप ये करेंगे ना, ये टूटने लगता है। ये देखिए, ये टूटता ही टूटता है। तो इससे आपको टेंशन लेना नहीं है, ये टूटता ही है। देख पा रहे हैं, पहले से टूटा हुआ ही है। थोड़ा सा भी हाथ इसको लगाएंगे ना, ये तो टूट जाता है। ऐसा हो जाता है ये गर्मी की वजह से। तो चलो, इसको मेरे को किसी तरीके से निकालना है। पहले ऊपर वाला निकालना है, देख पा रहे हैं, धूप गर्मी में ये पूरा पिघल जाता है, पिघल क्रैक हो जाता है। थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी इसको हाथ से ये करेंगे ना, तो ये टूटने लगता है। तो इसका टेंशन लेना नहीं है। ये जो भी गाड़ी का डैशबोर्ड खुलती है तो कस्टमर नया डलवाता ही है, इसका आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। तो चलो, ये निकल गया अपना, और पीछे एक सॉकेट रहेगी, ये सॉकेट निकाल देता हूँ मैं। तो ये सॉकेट निकल गया, देख पा रहे हैं, ये मेरे से लगभग गाड़ी में टूटता ही है, सबसे टूटता है, मेरे से ही नहीं, ये नया डालना ही पड़ता है। तो उसके बाद अब ये वाला चीज़ें निकलेगा मेरा। ये बहुत संभाल के खोलना पड़ता है इसका। खुल चुका है, ये भी वही मेटल है, ये भी क्रैक हो जाता है। तो ये जल्दी टूटता नहीं है, मतलब ये खुलने टाइम टूटता नहीं है, लेकिन सेम वही है ये चीज़ें। तो ये दोनों पार्ट को आप बहुत संभाल के रखें। उसके बाद अब देख रहे हैं टेप के लिए, 10 नंबर एक, 10 नंबर दो। उसके बाद कंट्रोल पैनल के लिए दिया है इधर, 10 नंबर एक, 10 नंबर इधर दो। तो आई थिंक कंट्रोल पैनल और जो ये है अपना, इसके साथ ही दिया है लगता है, दोनों साथ में निकलेगा। ट्राई करते हैं, और कैसे खुलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली चारों 10 नंबर खोल दिया हूँ, और ये जो है ना, इसके साथ ही निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्रू फिक्स किया हुआ है इसको, इस वजह से इसके साथ में ही निकल रहा है ये। अब बाकी रही सॉकेट, एक कंट्रोल पैनल को दिया है, बाकी टेप को दिया है ये वाली। और जरा इसको पलटी मार देता हूँ मैं। एक कंट्रोल पैनल वाली सॉकेट ये, टेप की दो सॉकेट, और एक ये वाली हो गया, निकल गया अपना ये। तो चलो, इसको मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं, सब सॉकेट निकल गया, वो पीछे होल्ड हो गया। अब अपने को एयर बैग खोलने जा रहा है, तो मीटर वगैरह निकालना है अपने को, क्योंकि इसका डैशबोर्ड जो है
सिंगल सिंगल निकाल रहा हूँ, निकलेगा ये, तो इस वजह से इसका जो है अपन ये कर रहे हैं। सबसे पहले एयर बैग निकालने जाता हूँ मैं, एयर बैग निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इसका एयर बैग निकालना कुछ हार्ड नहीं है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ रहता है, ये लॉक देने के बाद ये देख रहे हैं निकल चुका है इस साइड का। सेम ऐसा ही इस साइड दिया है, इसका लॉक यहाँ पे है, ये भी निकल चुका, दो तीन लगता है इस साइड का बैठ गया वापस से लॉक। तो मेरे को हाथ से खींच के निकालना पड़ेगा, तो चलो मैं एयरबैग निकालता हूँ। तो टोटल तीन लॉक दिया हुआ है रहता है इसमें, ये सॉकेट खोल देता हूँ मैं, ये यहाँ से भी खोल सकते हैं इसको आप, यहाँ से भी खोलने वाला दिया है, ये वाला तो आपको यहीं से खोलना पड़ेगा। माइनस स्क्रूड्राइवर से निकालना पड़ेगा अपने को इसको, बहुत बारीक है, जाड़ा स्क्रूड्राइवर है, तो मैं तो इससे निकाल दूंगा, लेकिन आप बारीक वाला स्क्रूड्राइवर यूज़ करना। अब इसको लेना है खींच ऊपर साइड, तो देख पा रहे हैं निकल चुका। तो तीन लॉक है, एक ये दो और एक ये नीचे, तीन लॉक है टोटल। अब मेरे को स्टीयरिंग का बोल्ट खोलना है, तो आप अगर चाहते हैं मार्क करना, मार्क तो बाद में कर देंगे बोल्ट खोलने के बाद, तो सबसे पहले मैं आपको बोल्ट खोल के दिखाता हूँ। तो फाइनली बोल्ट खोल दिया हूँ, तो जब भी आप स्टीयरिंग जो खोलते हैं ना, स्टेयरिंग को बाहर जो निकालते हैं बोल्ट खोलने के बाद, तो यहाँ पे ना आप एक थोड़ा सा मार्किंग कर दें, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि अपन स्टेयरिंग जो फिटिंग करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि स्टेयरिंग ऑन साइड चले जाता है, तो उस चीज़ों को कम करने के लिए ना, तो आप यहाँ पे एक मार्क कर देंगे ना, तो उसी मार्क में ला के आप बैठा देंगे वो। सबसे पहले तो आपको स्टेयरिंग सीधी खोलना है, सीधी खोलने के बाद आप यहाँ जो मार्क कर देंगे ना, तो आपका स्टेयरिंग जो है ना इधर उधर नहीं होगा, आपको अलाइनमेंट वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले जैसे गाड़ी थी वैसी हो जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ मार्क कर दें, मैं ज़रा आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे हैं मैं मार्क जो किया हूँ, ये देख पा रहे हैं स्क्रू ड्रावर से इधर और इधर मार्क कर दिया हूँ। आपके पास मार्कर है तो मार्कर से भी कर सकते हैं, या नहीं है तो स्क्रू ड्रावर से इसको स्क्रैच कर देना थोड़ा सा आमने सामने वाला, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी मार्क किया हुआ है मार्कर से, स्टेयरिंग की जो रॉड वाली है उसमें मार्क किया हुआ है अपने को, इसमें सिर्फ मार्क किया हुआ नहीं है, तो इसमें मार्क कर दिए, तो अपन जो बैठाने टाइम ई पोजीशन में बैठा देंगे, ओके, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा अपना। तो चलो इसको अब निकाल देते हैं अपन, तो दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये निकल चुका अपना, तो अब ये तो अब तुम्हारा घूमेगा नहीं, इसको लॉक करने की ज़रूरत रहती नहीं है, वैसे ये सीधी पोजीशन में ही रहता है। टोयोटा की कुछ कुछ गाड़ियों में क्लॉक रिंग जो है देता है ना, स्टीयरिंग लगाने के बाद ही ये घूमेगा, क्योंकि इसमें जो लॉक रहती है ना, ये दबता है ना, तभी जा करके ये घूमने लगता है। देखो अभी घूमता है, इसको दबाएंगे तो ये घूमेगा, घूम रहा है। अब जब इसको छोड़ देंगे ये ऊपर आ जाता है, तो इसके बाद ये अटकने लगता है इधर आकर के, देख पा रहे हैं। तो चलो मैं स्क्रू खोलता हूँ इसकी, एक दो सामने दिख रहा है और एक नीचे रहेगा, नीचे नहीं टूटा हुआ है स्क्रू, तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। तो फाइनली दोनों स्क्रू खोल चुका हूँ, अब इसको ऊपर लेना है आपको, या पहले इसको लेना है, जिसको आप लें दोनों आ जाएगा आपको। देख पा रहे हैं निकल चुका, उसके बाद ये रही स्टीयरिंग को थोड़ा ये निकाल, ये कर दें डाउन कर दें, ये इजीली आ जाएगा अपना, या फिर इसके साथ आएगा, ये मीटर के साथ आएगा, मीटर की जो कवर है उसके साथ आएगा। तो चलो इसको पहले पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं,
अब उसके बाद इसको निकालता हूँ, चाबी रखा हूँ इधर। तो इसको आपको माइनस स्क्रू ड्राइवर लेना है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी पुरानी गाड़ी है, तो बहुत संभाल के खोलना है क्योंकि ये टूट सकता है। इस वजह से बहुत संभाल के निकालें, और मेरे को संभाल के ही निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है। तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ ये चीज़ें। तो उसको निकालने से पहले मेरे को ना ये वाला जो है ना निकालना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा। उसके बाद जा कर के ये चीज़ें निकलेगा। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है कुछ तो कुछ। तो इस चीज़ को संभाल के खोलना। तो ये खुल चुका है, तो मैं पहले एक लॉक रिंग और हेडलाइट की, वाइपर की दोनों सॉकेट स्विच निकाल देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए एक सॉकेट यहाँ रहेगी अपना, इमोबिलाइजर, सॉरी ये इमोबिलाइजर का नहीं है, ये वाइपर का है। इमोबिलाइजर की सॉकेट नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद ये रही एयरबैग वाली, ये रही क्लॉक रिंग वाली हॉर्न की, ये रही हेडलाइट वाली स्विच। तो सबसे पहले क्लॉक रिंग को बाहर ले लेता हूँ, इसमें लॉक दिया हुआ रहेगा। इधर से तो निकल चुका है, तो ये लॉक माइनस स्क्रू ड्राइवर से मेरे को कटाना पड़ेगा, फिर जाके ये निकलेगा। तो मैं माइनस स्क्रू ड्राइवर से कटा करके निकालता हूँ। तो ये निकल चुका, और इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है या टेप उप से बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख पा रहे हैं पूरा घूमेगा नहीं, ये यहाँ आके लॉक है अभी। तो चलो फिर इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद हेडलाइट की स्विच खोलने से पहले अपने को क्या देखना है, लॉक है या स्क्रू है या क्या है। इसमें लॉक स्क्रू तो है नहीं, लॉक दिया है। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ, क्योंकि ये जो लॉक है ना माइनस स्क्रू ड्राइवर से कटाना पड़ेगा मेरे को। तो कटा के निकालता हूँ। इसमें कुछ नहीं दिया है, लॉक दिया है प्लास्टिक वाला, फाइबर वाला, और जिसको हाथ से आपको प्रेस करना रहेगा ये इजीली निकल जाएगा। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ, लॉक निकाल दिया हूँ लेकिन बट निकल नहीं रहा, कहीं ना कहीं कोई लॉक, हाँ निकल चुका, देख पा रहे हैं। बस ये दो लॉक रहती है, एक नीचे से एक ऊपर से लॉक रहती है। तो चलो फिर इधर भी दिया है, पर ये उतना लॉक, ये दोनों कटाएंगे तो इसको घुमाएंगे थोड़ा निकल जाता है। तो चलो अब ये वाला चीज़ें निकाल देते हैं, इजीली निकल जाएगा अपना। सॉकेट है, हेडलाइट एडजस्ट करने वाला, तो ये निकल चुका अपना ये भी। अब निकालते हैं मीटर अपन, एक दो स्क्रू दिया है, दो स्क्रू ऊपर, चार स्क्रू है टोटल, चार स्क्रू खोल के मीटर निकालता हूँ। तो अपना चारों स्क्रू खुल चुका, इसको आगे साइड लेंगे, नीचे एक सॉकेट, एक दो सॉकेट रहेगा, दो सॉकेट दिया है। दोनों के दोनों सॉकेट निकल चुका अपना, मीटर को मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपना इधर का सेटअप तो सब खुल चुका, ये 10 नंबर खोलना है, ये 10 नंबर खोलना है। उससे पहले ये वाली, निकाल दिया इसको फाइबर को। अब जो है एक क्लिप यहाँ है, तो इसको उठा के देख लेना है अपने को कि इसमें स्पीकर दिया है या नहीं दिया है। कोई कोई गाड़ी में नहीं देता है, कोई कोई में देता है। तो देख पा रहे हैं स्पीकर दिया हुआ है, तो स्पीकर खोलना है अपने को। तो दो 10 नंबर दिया है, दोनों 10 नंबर खोलते हैं। तो दोनों 10 नंबर खुल गया, इसको ऊपर ले लेना है, और ये
स्पीकर की सॉकेट निकाल देना है अपने को। निकल चुका। उसके बाद एक क्लिप ये रहेगी माइनस, इसको डाल से इसको कटा के निकाल देना है। निकल चुका है क्लिप। अब इसके बाद ये सॉकेट तो रहने दो आप। इसके बाद एक नहीं 10 नंबर इधर और एक 10 नंबर इधर खोलता हूँ मैं। तो अपना इधर से डैशबोर्ड तो पूरा खुल चुका, मिल रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो चलो उस साइड चलते हैं, उस साइड से क्या क्या खोलना बाकी है, उस साइड से जो सब खोलना बाकी है। तो चलो उस साइड चलते हैं अपन। तो इधर से अपने को सबसे पहले एक स्क्रू, ये एक स्क्रू, ये दो, एक ये तीन, एक ये चार स्क्रू खोलना पड़ेगा। और इसको कटा के उस साइड लेना है बाहर साइड, तो ये निकल जाएगा। मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको। देख पा रहे हैं इधर स्क्रू तो नहीं दिया है, लेकिन बट नीचे 10 नंबर दिया हुआ रहेगा। ये वाली लॉक खोल रहे हैं 10 नंबर का, सॉरी 10 नंबर नहीं रहेगा, 12 नंबर रहेगा, 12-14 नंबर रहते हैं प्लास्टिक वाला, ये वाला। उसके बाद इसको निकाल दें, उसके बाद इसको खींच के निकाल दें। ये रही 10 नंबर एक यहाँ। उसके बाद जो है ये वाला नीचे का, तो फाइनली स्क्रू तो खोल चुका हूँ। एक स्क्रू इधर आई है, तो सब स्क्रू खोलता हूँ मैं और ये 10 नंबर खोलता हूँ, फिर इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये निकल चुका अपना। तो उससे पहले ये भी निकलेगा अपना, ये देख पा रहे हैं, तब जा करके ये निकलेगा। तो देख पा रहे हैं ये निकल चुका फाइनली। अब अपने को खोलना है एक ये 10 नंबर, और इधर का स्क्रू तो खुला हुआ है, इसको आगे की साइड खींचेंगे, ये निकल गया। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे है, सॉरी 10 नंबर है, और एक यहाँ पे है। उसके बाद इसको निकालना है सेम उस साइड की तरह। तो ये भी निकल चुका अपना। अब उसके बाद स्पीकर को खोल के देखते हैं, ये कवर को स्पीकर दिया है क्या अंदर। तो देख पा रहे हैं स्पीकर है, तो दोनों 10 नंबर खोलता हूँ सब। फाइनली इधर का स्पीकर निकाल दिया, सॉकेट निकाल दिया, यहाँ का लॉक निकाल दिया, क्लिप। उसके बाद अपने को यहाँ का 10 नंबर खोल दिया। अब उसके बाद देख पा रहे हैं एयरबैग की 12 नंबर दिया हुआ है, ये फीस निकालना है अपने को, यानी सॉकेट, यहाँ पे फीस बोलता है। और ये दोनों 12 नंबर खोलेंगे तो डैशबोर्ड अपना ईजिली बाहर आ जाएगा। यहाँ का भी 10 नंबर खोल दिया हूँ, अब डैशबोर्ड अपना ऊपर का ईजिली बाहर आ जाएगा। तो चलो 12 नंबर दोनों खोलता हूँ। तो फाइनली एयरबैग की दोनों बल्ब खोल दिया हूँ, अभी अपना ईजिली बाहर आ जाएगा। ये वाला फीस निकाल दें आप, क्योंकि ये जो है ना डैशबोर्ड के साथ आएगा, इस वजह से यहाँ से आप निकाल दें इसको। तो चलो अब मैं डैशबोर्ड को एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, किधर कुछ तो लगा तो नहीं है ना। तो चलो अब इसको
निकाल देता हूँ मैं बाहर। तो फाइनली ऊपर का डैशबोर्ड निकाल चुका हूँ। और अभी आप एक सवाल कर सकते हैं कि इसका अखंडे भी खोल सकते थे, क्योंकि सब कुछ जो है ना बाहर से खुल जाता, एक बोल्ट दो बोल्ट तीन बोल्ट दिया है, ये बाहर से खुल जाता, खुलेगा ये भी बाहर से खुलेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक दिया है, ये भी बाहर से खुलेगा, वो दोनों भी बाहर से खुलेगा। और अखंडे खोलना चाहे तो खोल सकते थे अपन, लेकिन बट मैंने खोला क्यों नहीं, क्योंकि ये वाला चीज़ जो है ना अखंडे खोलेंगे ना तो ये चीज़ को रिमूव करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो ये तामझाम बहुत है इधर, देख पा रहे हैं, इसको खोलो फिर उसको खोलो, नीचे वाला खोलो फिर ये एंगल को खोलो, ये तामझाम बहुत होने की वजह से इसको पूरा ऊपर का खोल देंगे तो ये इजीली अपना काम हो जाएगा। ऊपर का खोलने के बाद काम अपना करने में इजी रहता है, तो इस वजह से इसको एंगल विथ कंट्रोल यूनिट के साथ निकालेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो देख पा रहे हैं ना, ये वाला खोलने में दिक्कत होती है, इस वजह से इसको यहाँ से खोल देंगे, अलग कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ, खोलता हूँ ऐसे, ये फाइबर नीचे लॉक दिया हुआ रहेंगे, क्लिप वाली लॉक। तो चलो मैं निकालता हूँ, तो ये डक्ट निकाल देता हूँ पहले, उसके बाद जो है अपने को ये वाला खोलने में ना काफ़ी दिक्कत देती है, ये वाला डक्ट जो देख पा रहे हैं आप, इधर का भी इधर का भी। तो ये एंगल निकाल देता हूँ मैं पहले, ये वाली एक 10 नंबर इधर रहेगा, 10 नंबर नीचे रहेगा, 10 या 12 नंबर, और इधर रहेगा 12 नंबर शायद, 12 नंबर है। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ ये सब। तो फाइनली ये वायरिंग का पूरा हार्नेस निकाल चुका हूँ और ये एंगल का दोनों बोल्ट खोल चुका हूँ, क्योंकि एंगल निकालने टाइम में ना इतना कंफर्टेबल जगह मिलेगा नहीं इसको। दो 12 नंबर दिया है इधर, एक लूज़ किया हूँ बट निकाला नहीं हूँ, तो इसको निकाल देता हूँ मैं। फाइनली एंगल को निकाल दिया, ये बोल्ट नीचे गिर गया है, बाद में उठाता हूँ। उसके बाद ये वायरिंग की जो है ना, ये डैशबोर्ड के साथ वायरिंग है, तो इधर की तो निकाल दिया हूँ मैं। और बाकी ये जो एयरबैग वाली सॉकेट जो देख पा रहे हैं, एयरबैग वाली सॉकेट में दिया हुआ रहता है ये, तो अपन तो यहाँ कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक टेक्निक ये है कि ये जो सॉकेट है ना इसके साथ अलग दिया हुआ है, मतलब यहाँ से आप सॉकेट निकालना चाहे तो ये निकल जाएगा सॉकेट। मैं ज़रा निकाल के दिखा देता हूँ आपको, तो निकालता हूँ मैं सॉकेट। बस ये आपको दिखने में तो सेम लगेगा कि एक ही सॉकेट है, लेकिन बट यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, मैंने स्क्रूड्राइवर से उसको पुश करेंगे इधर इस साइड तो ये इजीली निकल जाता है। तो देख पा रहे हैं निकल चुका, अब मैं इसको इस तरफ कर लिया हूँ एंगल के साथ। अब मेरे को ये वाला एंगल भी खोल देना है, तो ये जितने सारे क्लिप है, यहाँ 12 नंबर है, ऊपर 12 नंबर है, तो खोलता हूँ, खोल के इसको नीचे ले करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली इस साइड का भी एंगल खोल दिया हूँ और ये इसको नीचे ले लिया हूँ। तो अब मेरे को खोलना है स्टेयरिंग का ये 12 नंबर और इधर का एंगल का, इस साइड का खोल के फिर उस साइड जाऊँगा मैं। तो चलो इस साइड का जो जो खोलना रहेगा, क्या क्या खोलना रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ये सॉकेट निकाल देना है अपने को, क्योंकि ये वायरिंग के साथ निकलेगा अपना, और पीछे कुछ वायरिंग है ना इसका, तो इस वजह से वायरिंग के साथ ही निकालना बेटर है इसका। उसके बाद ये वाली सॉकेट की वायरिंग जितनी है इधर से निकाल देना है अपने को। तो फिर तो चलो खोलता हूँ मैं धीरे धीरे, पहले स्टेयरिंग नीचे लेता हूँ, फिर फंडा समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। तो चलो मैं खोलता हूँ। तो फाइनली स्टेयरिंग बॉक्स खोल के नीचे ले लिया हूँ ये वायरिंग का पूरा, इग्निशन स्विच वगैरह का सब वायरिंग निकाल दिया हूँ। उसके बाद ये तो मीटर का था पहले से ही अपना, उसके बाद अब आ जाओ ये वाला वायरिंग खोलना है अपने को, ये तो इसके साथ निकालूँ तो इसके साथ ही आ जाएगा, इसका टेंशन नहीं। बाकी ये वायर का जो है ना, ये वाली वायर, ये दो सॉकेट दो तीन सॉकेट खोलना पड़ेगा अपने को बस। तो ये माइनस स्क्रूड्राइवर से इसको लेना है, फिर ये निकल जाएगा
और एक सॉकेट ये वाली, बस ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा इधर का। अब आ जाओ इधर आप, ये सॉकेट एंगल के साथ नहीं है तो ये यहाँ से इसको निकाल देता हूँ मैं। ये भी निकल चुका और ये क्लिप से निकाल देना है अपने को, यहाँ से निकल चुका। अब ये वायर जो है अपना स्टेयरिंग के साथ निकलेगा। तो ये वायरिंग में कौन सा दिया है वायर, इसको चेक कर लेना है एक बार। 1 2 3 4 5 6 सॉकेट है इधर, एक ये, उसके बाद ये वाली, ये वाली, ये वाली, उसके बाद ये वाला निकालना है अपने को। अब पीछे साइड से 2-3 सॉकेट रहेगी ये वाली वायरिंग में। तो चलो ये सब निकालता हूँ मैं इधर का फाइनल। तो फाइनली इधर का देख पा रहे हैं, ये सब सॉकेट निकाल चुका हूँ, इधर का बोल्ट भी खोल दिया हूँ, बाकी सब खुल चुका है इसका, इस साइड का। तो चलो अब उस साइड चलते हैं अपन, उस साइड चल के दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है अपने को, और कुछ तो खोलने की ज़रूरत है नहीं इधर। तो चलो उस साइड चलते हैं। तो फाइनली इस साइड से जो मैं खोला हूँ वो चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। ये वाला सॉकेट तो पहले से खुला था, ये तो बाहर से 2 12 नंबर, उसके बाद ये सारी सॉकेट खोलना पड़ा अपने को, उसके बाद बस बाकी इस साइड से और कुछ नहीं खोलना पड़ा। ये ड्रेन लाइन, अब बाहर से बस अपने को 2 बोल्ट खोलना है। नीचे दिखा देता हूँ, नीचे कुछ दिया है क्या, हाँ एक दिया है 10 नंबर, ये देख पा रहे हैं ब्लोअर के नीचे सपोर्ट के लिए कंट्रोल यूनिट को। बाकी और अंदर से कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं, एंगल वगैरह सब साथ में आ जाएगा। तो चलो बाहर चलते हैं अपन, बाहर से मैं वो दोनों बोल्ट खुल के फिर दिखाता हूँ। वाइपर ब्लेड वगैरह सब खोलना पड़ेगा अपने को, तो चलो बाहर चलते हैं। तो बाहर से अपने को सबसे पहले गाड़ी भी देख लीजिए, ये 14 नंबर है वाइपर का, दूसरा वो है 14 नंबर, खोलता हूँ मैं पहले। तो 14 नंबर दोनों खोल चुका हूँ, इसको थोड़ा चोट डाल देना इधर, फटका डाल देना ताकि ये ईजीली अपना निकल गया। सेम कुछ ऐसे ही करना है, निकल गया ये दोनों के दोनों। और वाइपर ब्लेड में बिठाने टाइम एक चीज़ हमेशा याद रखना, बड़ा वाला जो वाइपर ब्लेड रहता है हमेशा ड्राइवर साइड की तरफ दिया हुआ रहता है। तो चलो ये बोल्ट, तो ये फाइनली खुल गया। उसके बाद जो है अपने को यहाँ पे दिया रहेगा, इससे पहले वाला जो कैमरी खोला था ना मैं, तो उसका बोल्ट ये पत्रा जो है ना इसके नीचे दिया था जस्ट, तो पत्रा भी खोलना पड़ा था मेरे को। तो ये बोल्ट है और ये वाली बोल्ट रहेगी, यहाँ पे दिया है अंदर है वो, यहाँ पे खाली रहता है। तो चलो ये दोनों बोल्ट खोलता हूँ मैं। तो फाइनली इधर का देख पा रहे हैं बोल्ट खुल चुका, और एक्सटेंशन वाल के पास का पाइप जॉइंट हीटर पाइप दोनों खुल चुका हूँ। तो चलो अब अंदर चलते हैं, डैशबोर्ड, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट और एंगल अब निकल जाएगा अपना इजीली। ज़रा हिला के दिखा देता हूँ आपको, देख पा रहे हैं निकल जाएगा। तो चलो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली एंगल विद क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकाल चुका हूँ, ये रही अपना। तो इसका इवेपोरेटर कॉइल जो खुलेगा, ये सब स्क्रू खोलना पड़ेगा अपने को,
खोल के ये पूरा ऐसा बाहर आएगा। उसके बाद इधर एंगल में जो जो बोल्ट लगा है ब्लोअर के ऊपर वो सब खोलना पड़ेगा। तो चलो मैं खोलता हूँ इसको। वो फाइनली इवेपोरेटर कॉइल निकाल दिया हूँ, ये देख पा रहे हैं ये वाली है। तो इसको खोलने के लिए मेरे को एक्सपेंशन वाल्व खोलना पड़ेगा, फिर इवेपोरेटर अलग होएगा। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। तो फाइनली इवेपोरेटर कॉइल निकाल दिया हूँ, ये रही एक्सपेंशन वाल्व और ये देख पा रहे हैं इधर से लीकेज है। तो नया वाला देख लीजिए आप। सेम है, बिल्कुल सेम है। तो चलो फिर इसको मैं फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली प्रॉपर तरीके से सब फिट हो गया है। तो चलो अब गाड़ी में डालते हैं। तो ऊपर का अपना एंगल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ सब ये सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से सब फिट हो गया है। बस अपने को अभी थोड़ा सा काम बचा ये है कि ये स्पंज जो देख पा रहे हैं ना आप, ये सड़ चुका है। तो ये स्पंज ना मैं निकाल दूंगा, क्यों? क्योंकि इधर से एयर लीक होगा। तो इस वजह से मैं इसमें फ्रेश स्पंज डालूंगा, स्पंज जिधर जो मतलब वर्ड यूज होता है, जो यूज करके आए हैं वही वर्ड एक्चुअली नाम इसका है स्पंज। तो ये स्पंज नया डाल देता हूं मैं। तो नया डाल के फिर ये रही स्पंज, ये वाला स्पंज डालूंगा मैं। तो चलो इसमें डाल देता हूँ मैं, डाल के फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली स्पंचिंग वगैरह सब हो चुका, तो चलो अब मैं इसके ऊपर डैशबोर्ड डाल देता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड तो डाल चुका हूँ और काफ़ी हद तक मैं फिटिंग भी कर चुका हूँ, देख पा रहे हैं। तो बाकी ये सब प्रॉपर तरीके से फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड लगभग पूरा फिट हो चुका है, बस बाकी इस साइड का स्टेयरिंग वगैरह बैठाना बाकी है। तो जब तक मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, बाहर का भी सब फिटिंग हो चुका है। बाहर का कॉल पैनल वगैरह सब बैठ चुका है और सब वाइपर ब्लेड वगैरह सब बैठा दिया हूँ और मैं इसमें प्रेशर भी मार के रखा हूँ, देख पा रहे हैं 300 का प्रेशर मार के रखा हूँ। तो जब तक प्रेशर होल्ड रखता हूँ और अंदर का सब फिटिंग करके फिर वैक्यूम में लेके जाता हूँ आपको। तो फाइनली अब तक के तो अपना प्रेशर होल्ड है, देख पा रहे हैं ज़रा सा भी ड्रॉप नहीं हुआ है। तो चलो अब इसको मैं वैक्यूम में लगा देता हूँ, ये प्रेशर छोड़ देता हूँ। लाइन को चेंज कर देना अपने को। इसको बंद कर देना है, इसको खोलना है, उसके बाद ये लाइन भी चेंज करना है यहाँ से। वैक्यूम वाली मैं लगा दिया हूँ, अब कंप्रेसर ऑन कर देता हूँ। अब ये वैक्यूम का काटा नीचे आ रहा है, तो 10 मिनट वैक्यूम को छोड़ देता हूँ इसको, उसके बाद फिर आगे गैस चार्जिंग में दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली अंदर पूरा सब फिट हो चुका, देख पा रहे हैं, और बैटरी वायर लगा दिया हूँ और मैं गाड़ी कर लेता हूँ चालू।
चालू हो चुकी, लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एयरबैग की लाइट सॉरी वो अपना ABS की लाइट आ रही है, बाकी वो सीट बेल्ट का है, हैंड ब्रेक का है, दरवाजे का है। और चलो मैं यहाँ से AC चालू कर देता हूँ, क्योंकि अपन वैक्यूम में लगा चुके हैं, डायरेक्ट वहाँ जा कर के गैस चार्ज करेंगे। AC ऑन कर चुका हूँ, अब गैस मारेंगे तभी कंप्रेसर ऑपरेट होगा। तो चलो बाहर चलते हैं अपन। तो ये वैक्यूम में लगा चुके थे, वैक्यूम हो चुका है, तो इसको बंद कर देता हूँ मैं। कंप्रेसर ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से लाइन निकाल देता हूँ और ये सिलेंडर में लगा लेता हूँ मैं। जब तक सिलेंडर में लगा चुका हूँ और सिलेंडर पलटी मार दिया हूँ, और यहाँ से आप गैस छोड़ते हैं अपन। कंप्रेसर ऑपरेट नहीं हुआ है, अभी हो गया ऑपरेट। तो चलो इसमें से मैं गैस चार्ज करता हूँ यहाँ। पंखा वगैरह सब चालू हो गया, कंप्रेसर वगैरह सब ऑपरेट हो गया, इसमें क्लचलेस कंप्रेसर है। देख पा रहे हैं सक्शन प्रेशर कितना आ रहा है। जरा फ्लैश ऑफ कर देता हूँ, क्लियरिटी देखिएगा। मीटर लाइन गंदा हो चुका है, इस वजह से दिख नहीं रहा है क्लियर। 30 पे है अभी, और भी ड्रॉप होगा। और आप तो यहाँ से प्रेशर चेक कर सकते हैं, कूलिंग गैस चार्जिंग वगैरह का सेटअप चेंज चेक कर सकते हैं कि गैस चार्जिंग हुआ क्या नहीं फुल चार्ज। तो यहाँ मीटर सक्शन लाइन में जो आप हाथ लगाते हैं ये चिल्ड होना चाहिए, चिल्ड हो रहा है नहीं वो चेक करना है आपको। चिल्ड हो जाएगा तो गैस फुल हो चुका है। पंखा वगैरह बराबर चल रहे हैं वो चेक करना है आपको, बराबर चल रहा है। और ये वाला जो ग्लास देख रहे हैं आप, ये गैस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर गैस फुल हो जाएगा तो यहाँ पे बिल्कुल वाइट हो जाएगा, पानी के जैसा, कोई बबल्स वगैरह नहीं आना चाहिए। यहाँ बबल्स वगैरह नहीं आएगा तो समझ लीजिए गैस फुल हो चुका है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये ग्लास थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है यहाँ से, नहीं तो मैं आपको यहाँ से समझा देता। यहाँ से अभी बबल आ रहा है, मतलब गैस फुल हुआ नहीं है अभी। फैन हाई स्पीड हो गया, मतलब अब गैस फुल होने को आया है। तो अपना लगभग गैस फुल हो चुका है, देख पा रहे हैं प्रेशर भी, सक्शन प्रेशर 30 से ड्रॉप हो गया, नीचे आ गया, मतलब गैस फुल हो चुका है इसमें। तो चलो अंदर चलते हैं, कूलिंग टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं। कूलिंग तो हो रही है, बराबर हो रही है, इसकी वजह से मैं आपके पास थर्मामीटर लेके आया हूँ कूलिंग टेम्परेचर दिखाने के लिए बस। तो थर्मामीटर ऑन हो चुका, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। Thank you.
देख लीजिए कूलिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है। थोड़ी देर वो चलने देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कूलिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है। देख लीजिए ड्रॉप हो रहा है। फैन की स्पीड कम कर देता हूँ, साउंड सुनाई नहीं देता हूँगा बरोबर। थ्री पे आ चुका, 2.8, 2.6, 2.4, 2.2, 2.4, 2.2 ट्रिप मार चुका है अभी कंप्रेसर, टेम्परेचर बढ़ेगा। आप यहाँ पे इसका इतना टेम्परेचर में ट्रिप मारा तो कूलिंग प्रॉपर हो रहा है इसका। और ज़रा मैं हीटर चालू कर देता हूँ आपको, एसी ऑन है, एसी ऑन पे हीटर चालू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे भाई का कमेंट है रहता है कि एसी ऑन पे हीटिंग टेम्परेचर दिखाएगा नहीं या हीटिंग टेम्परेचर आएगा नहीं। तो अब देख लीजिए मीटर को, थर्मामीटर को देख लीजिए, भर रहा है टेम्परेचर, देखते कितना तक भर है। एसी ऑफ करेंगे तो आएगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है इफेक्ट। और बहुत से गाड़ियों में कैसा रहता है कि अगर आप एसी चालू पे हीटर चालू करते हैं तो कूलिंग नहीं आता है, उतना नहीं आता है, कम आता है। इसका भी सिस्टम वही नहीं है, इसका भी बराबर चलेगा लेकिन गाड़ी अभी गर्म हुई नहीं है, इसके वजह से कोई इतना ये नहीं कर रहा है। तो मैं इसको कूलिंग पे ही ले लेता हूँ अभी, क्योंकि गाड़ी हीट होगी फिर हीटिंग टेम्परेचर आएगा, कूलेंट का सर्कुलेशन होगा, क्योंकि कूलेंट खोला गया था, कूलेंट निकला था, वो लेवल करूँगा वो बराबर आ जाएगा। तो बस इस ये वीडियो में इतना ही काफ़ी, यहीं तक। और ये वीडियो में मैं सिर्फ यही बताया हूँ कि डैशबोर्ड कैसे खोला जाता है, कैसे फिटिंग किया जाता है और गैस चार्जिंग वगैरह प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ। और गाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो जो देख रहे हैं ना, तो वो ये वीडियो देख करके कुछ ना कुछ सीखे, बस जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ वो चीज़ें कोई और जो इसमें इंटरेस्टेड है ऑटोमोबाइल में, तो उस चीज़ को मेरा वीडियो देख करके सीखे बस, और बाकी कुछ नहीं। और गाइज आप लोग एक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे को, सपोर्ट कीजिए गाइज, ज़रा सपोर्ट करेंगे ना तभी मैं फिर आगे बढ़ पाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा चीज़ों को, बस और बाकी कुछ नहीं। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।